मेरठ जिले में स्वच्छ भारत अभियान को गति मिल रही है। अभियान का आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है मेरठ की जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने। चंद्रकला गांव-गांव पहुंचकर ग्रामवासियों को ये समझा रहे हैं कि खुले में शौच ना करें, उनके खतरे के बारे में भी उन्हें बता रही हैं। चंद्रकला के इस अभियान का असर ग्रामवासियों में भी दिख रहा है। बच्चों के बीच सड़क पर प्रभात फेरी में निकली मेरठ की डीएम बी चंद्रकला। प्रभात फेरी में बच्चों ने नारे बुलंद किए कि खुले में शौच बंद करो। संबल मिला जिलाधिकारी महोदया का, जो खुद ग्राम पंचायत स्तर तक स्वच्छता अभियान को गति दे रही हैं। मवी ग्राम पंचायत में जनपद स्तर के अधिकारीगणों द्वारा यहाँ पर आकर ये देखा गया कि गांव में निगरानी समिति द्वारा बहुत ही सक्रियता से ग्राम प्रधान के देखरेख में बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हर घर में यहाँ पर शौचालय बनाया भी गया है और उसका पूरी तरह से उपयोग भी हो रहा है। जिलाधिकारी ने मेरठ के मवी ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय में ग्रामवासियों की बैठक बुलाई। बैठक में महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने हिस्सा लिया। बैठक में खुले में शौच से होने वाले खतरे के बारे में भी बताया गया। खुले में शौच से संबंधित सभी जानकारी लोगों तक है और इसके क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, जो उनके हेल्थ इंडिकेटर्स, ये भी सब लोगों को जानकारी दी जा चुकी है। और लगभग एक सप्ताह में मवी गांव पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित भी हो जाएगा। जिलाधिकारी की टीम गांव भ्रमण पर निकली, लोगों की स्वच्छता संबंधी समस्याएं सुनी, हल करने की राह दिखाई। मवी गांव को एक सप्ताह में खुले में शौच से मुक्त गांव घोषित करने का वादा किया। संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ मेरठ।